ऑटोरेडियोग्राम ऑटोरेडियोग्राम जो है बिलो आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सडन ब्लॉटिंग शो द ह्यूमन डीएनए डाइजेस्टेड विद अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड प्रोब्ड विद द लेबल्ड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है ना, एक ऑटो रेडियोग्राम आपको दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में। एक ह्यूमन डीएनए डाइजेस्टेड है एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और उसको जो है प्रोब किया गया है लेबल्ड राइबोसोमल आरएनए से। इन ऑटो रेडियोग्राम ऑन द लेफ्ट लेफ्ट में जो है द प्रोब वॉज 28S राइबोसोमल आरएनए एंड द राइट में जो है वो 18S राइबोसोमल आरएनए। इफ द एरो इन द फॉलोइंग मैप्स लोकेट द रिकॉग्निशन साइट, जो एरो है वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स को लोकेट कर रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि इस मैप का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा। अब इस चीज को समझिए कि इस मैप को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, ये कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट बनेंगे, डाइजेशन और मैपिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कई लोगों से नहीं बनता। बहुत बार मैंने देखा है, कराया है, और फिर भी देखा है कि नहीं बन पाता है। मैं यहाँ पे जो है एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डायग्राम से जो है आपका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये जो है वो है आपका 28S राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहे हैं, और ये जो है वो 18S राइबोसोमल आरएनए की चर्चा की जा रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो है इसके हम कुछ कॉपीज बना लेते हैं, और इन्हीं कॉपीज के थ्रू आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए कंडीशन क्या है कि अगर आप प्रोब रखे हैं और एक डाइजेशन यहां पे कर रहे हैं, एक डाइजेशन यहां पे कर रहे हैं और एक डाइजेशन यहां कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन तरीके के जब डाइजेशन करेंगे तो आपको 28S राइबोसोमल आरएनए का जो फ्रैगमेंट है वो एक ही मिलेगा। अगर आप इस पर चर्चा करेंगे तो आपके पास क्या है कि यहां पे 28S का जो है एक फ्रैगमेंट मिला पूरा पूरा, और 18S का पूरा पूरा एक मिला। कंप्लीट जो है वो 28S अलग मिलेगा और 18S, वन फ्रैगमेंट फॉर 28S और वन फ्रैगमेंट जो है वो आपके 18S के लिए होंगे। ठीक है, सिमिलर केस है, आप जरा सा इसको देखिए कि हो सकता है कि यहां पे जो है इस तरीके का डायग्राम हो। अब इस तरीके के डायग्राम में देखेंगे ये रिस्ट्रिक्शन साइट दिखा रहा है। अब इस रिस्ट्रिक्शन साइट से आप देख पा रहे होंगे तो 28S साइट में बीच में एक रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, मतलब 28S फ्रैगमेंट के दो साइड ऐसे प्रेजेंट होंगे। तो 28S का जो है यहाँ पे दो फ्रैगमेंट आपको मिलेगा, और जबकि 18S का जो है सिर्फ एक ही फ्रैगमेंट मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं थी। ठीक, ये हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन साइट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो, कुछ ऐसा। अब इसको आप देख पा रहे होगे तो यहां पे जो केस बनेगा, इन दिस केस 28S तो अकेला वन रहेगा, यहां पे 28S का अकेला वन फ्रैगमेंट है, लेकिन 18S पे जो है रिस्ट्रिक्शन साइट है तो 18S के जो है वो दो फ्रैगमेंट मिलेंगे कुछ ऐसे। तो यहां पे जो है दो फ्रैगमेंट हो जाएंगे 18S के। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं फोर्थ पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, कि ये कुछ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। इन दिस केस अगर चर्चा करें तो आपके पास दो फ्रैगमेंट 28S के भी मिलेंगे और दो फ्रैगमेंट जो है वो आपके 18S के भी मिलेंगे। सो इन दिस केस टू फ्रैगमेंट विल बी ऑब्टेन इन द 28S एंड टू फ्रैगमेंट इन द 18S एज वेल, राइट। अब इसी के हिसाब से जब इनको रन करेंगे उसी इनके 28S राइबोसोमल प्रोब और 28S के हिसाब से, तो जरा समझिए कि एक प्रोब जो है ये बोला जा रहा है कि 28S का है, और एक जो है 18S राइबोसोमल आरएनए का प्रोब है। ठीक है, ये चीज जो है समझ लेते हैं फटाफट।
थोड़ा थोड़ा स्लाइड कर दे रहा हूं मैं, और फिर जो है ये आपके पास केस। ठीक है, अब इन चर्चा परिचर्चा करने की कोशिश करें तो इसमें क्या होगा कि 28S में इसमें एक ही बैंड मिलेगा, वन बैंड, वो भी 28S बड़ा फ्रैगमेंट मिलेगा, और 18S में जो है एक ही बैंड मिलेगा जो कि छोटा फ्रैगमेंट ऐसे मिलेगा। सीधी बात है, वन वन फ्रैगमेंट। इन द केस ऑफ सेकेंड डायग्राम जब 28S में रिस्ट्रिक्शन साइट था तो 28S के दो फ्रैगमेंट, एक बड़ा फ्रैगमेंट और एक छोटा फ्रैगमेंट, और 18S में एक छोटा फ्रैगमेंट था, टू और वन का अनुपात चल रहा है। अगर 18S में एक साइट प्रेजेंट था तो 28S में एक फ्रैगमेंट बड़ा फ्रैगमेंट, और 18S में जो है वो दो फ्रैगमेंट कुछ इस तरीके के अनुपात में, दिस वन। एंड अगर आप चर्चा करें तो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर क्या हो रखा है, जब दोनों पे दो दो साइट प्रेजेंट है तो दो दो फ्रैगमेंट मिलेंगे, 20S पे भी दो फ्रैगमेंट और 18S पे भी दो फ्रैगमेंट। तो ये कहानी जो है वो आपको यहां पे चल रही है, बहुत आसान है, और यही चीज आपको समझना है इस पर्टिकुलरली प्रॉब्लम में जब हम बात करेंगे तो क्या चीज चल रहा है। देखिए 28S में दो फ्रैगमेंट है, 28S में दो फ्रैगमेंट है और 18 में एक है, यानी कि 28S में एक रिस्ट्रिक्शन साइट होगा। यहां पे नहीं है देखिए, यहां पे नहीं है देखिए, यहां पे है और यहां पे भी है, लेकिन इसमें 18S में भी है तो ये नहीं होगा क्योंकि 18S में नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें एक फ्रैगमेंट है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। सीधी सी बात है, यही चीज बाकी के लिए भी आप देख सकते थे, 28S और 18S एक ऑप्शन और हो जाता, 28S और 18S एक ऑप्शन और हो जाता, 28S और 18S। तो इस केस में जब देखोगे आप तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता था। अगर मैं यहीं पे एक डायग्राम बना देता ये वाला कि दोनों पे जो है सिर्फ एक ही बैंड मिल रहा है तो ये ऑप्शन मैच हो जाता फर्स्ट से, क्योंकि दोनों में एक ही बैंड मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक ऑप्शन और बना देता जिसमें कि हम जो है एक बैंड 28S का दिखाते और दो बैंड जो है 18 का दिखाते तो ये हो जाता आपका सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सी में देखिए 18S पे दो मिलता और 28 का वन। अगर मैं दोनों पे ही दो दो बैंड दिखा देता तो मुझे मिल जाता यहां पे डी ऑप्शन, यानी कि यहां पे डी ऑप्शन के ऊपर जब चला जाता तो दैट मींस ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों पे रिस्ट्रिक्शन साइट है, दो दो फ्रैगमेंट मिलेगा और दो दो बैंड मिलेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इतना आप जब इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे तब समझ पाएंगे, देखते ही जो है लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है लेकिन है नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए।